अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिलायबल किचन में। तो आइए हम आज एक नई रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, मस्टर्ड पोटैटो करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू को इतना मोटा मोटा कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इतना मोटा सा हमने कट कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल अच्छे से गरम कर लेना है। तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर लेना है और आलू को डाल देना है। सारे आलू को हम डाल देंगे इसमें और हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही ढक कर के हम एक साइड में 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ढक कर के पकाने से आलू अच्छे से अंदर से भी पक जाते हैं। फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर से ढक करके हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो आइए मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने 2 चम्मच के करीब ब्लैक मस्टर्ड लिया है, आपके पास जो भी हो, येलो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियां लिया है और 3 छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं हमने। 2 हरी मिर्च लिया है हमने। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम 2 टमाटर को लेकर के इसका अलग से भी पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट इसलिए हमने अलग से बनाया है क्योंकि हमें दोनों अलग अलग टाइम पर भूनना है। टमाटर का पेस्ट भी हम बना लेंगे। आलू फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये फ्राई हुई है। इसे हमने हाई फ्लेम पर ढक करके पकाया था, सो इसलिए ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। इसे हमें मसालों के साथ पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह अंदर से एकदम पक चुकी है अच्छे से। तो हमने आलू निकाल लिया था और इसमें से थोड़ा तेल भी निकाल लिया था क्योंकि तेल हमने पहले ज़्यादा डाला था। अब हमने आधा बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया है, उसे हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम ऐड करेंगे। ध्यान रहे ये सब ऐड करते टाइम गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, वरना ये मसाले बहुत जल्दी से जल जाएंगे। तो हम अब सरसों का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस जिस कटोरी में हमने पेस्ट बनाया था उसी को थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 चम्मच स्वादानुसार। आप देख सकते हैं तो इस मसाले को हमने धीमी आंच पर भूनना है, ढक करके 3 से 4 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा पानी ऐड करके हम लो फ्लेम पर ढक करके अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है और कोई, इसका यही मसाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसे ढक करके हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका तेल भी अलग हो चुका है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना ही अच्छा लग रहा है। तो हमने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे। मसाले भून चुके हैं, आलू हम डाल देंगे। अब आलू को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है इसमें, बस 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से मसालों में हाई फ्लेम पर भून लेंगे क्योंकि इसमें मसाले अच्छे से लग जाएं आलू में। मसाले और आलू पहले से ही अच्छे से पक चुके हैं। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए वो उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। इसमें हमने इतना पानी ऐड किया है, हमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि ठंडा होने के बाद यह बिल्कुल थिक हो जाता है। तो हम थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर
अच्छे से बॉयल होने देंगे 3 से 4 मिनट तक। तीन से चार मिनट बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया पत्ती कट करके अच्छे से डाल देंगे 2-3 चम्मच। यह ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है और यह बहुत जल्दी से बन भी जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इससे खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं आलू, जिसमें सबसे मोटा आलू दिख रहा है वही हम चेक कर लेंगे। आप देखिए कितनी आसानी से यह कट गया है, आलू एकदम अच्छे से पक चुका है। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो हमारी मस्टर्ड पोटैटो करी बन करके तैयार है। यह बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे रोटी पूरी जिसके साथ भी चाहें खा सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसी नई नई रेसिपीज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, यह बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है, यह खाने में भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है।